हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्ज़ी। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने उसके लिए पत्ता गोभी ली है, चने की दाल ली है, मिर्ची और कड़ी पत्ता लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो तीन कांदे को मैंने चॉप कर लिया है और दो टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। तेल को मैंने गर्म होने रख दिया है। तेल जैसे ही गर्म होएगा वैसे ही मैं उसमें मेथी डाल दूँगी। मेथी दाना इसीलिए क्योंकि पत्ता गोभी और चने की दाल गैस कर देगी, इसीलिए गैस ना हो इसलिए। फिर मैंने कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल दी है। अब मैंने दो ऑनियन जो मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दूँगी, एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक डाल के मैं इसे सॉटे कर लूँगी। कांदा हल्का ब्राउन ना हो जाए ना तब तक हमें इसे सॉटे करते रहना है। कांदा जैसे ही ब्राउन होगा ना वैसे ही मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी एक चम्मच। फिर उसमें दो कटे हुए टमाटर जो है वो मैं डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद एक चम्मच मिर्ची की भुकी, एक चम्मच हल्दी की भुकी और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद पत्ता गोभी जो मैंने बारीक काट के रखी है वो डाल दूँगी और एक बार इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स होने के बाद जो चने की दाल भिगो के रखी थी वो डाल दूँगी, आधा ग्लास पानी डाल के इसे चार सीटी लगा दूँगी। चार सीटी इसी एक सीटी फास्ट पे और दो सीटी स्लो, तीन सीटी स्लो पे रख के हमें इसे चलाना है क्योंकि चने की दाल है तो आधा पानी भी हमने कम डाला है तो ये जले ना, इसीलिए हमें इसे स्लो आंच पे रखना है। ये बहुत अच्छी और सिंपल और इजी रेसिपी है, खा के ज़रूर बताना कि ये कैसी लगी। थैंक यू।